हाय एवरीवन, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल और तुरई की सब्जी। पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप अपने मनपसंद के कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 तेज पत्ता, 1 पिंच हींग और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जब ये सारे चीज अच्छे से पक जाए तब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच कुटे हुए अदरक और लहसुन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे या फिर जब तक इसका रॉ स्मेल चला ना जाए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम में 10 से 20 सेकेंड तक पका लेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 घंटे भिगे हुए चना दाल चॉप किया हुआ तुरई और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लीड कवर करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम में 60 से 70% कुक होने तक पका लेंगे। हम इसे मिडिल मिडिल में चलाते रहेंगे। अब दाल 70% कुक हो चुके हैं, अब हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लिड कवर करके लो फ्लेम में दाल को पूरा पकने तक पका लेंगे। हम इसे मिडिल मिडिल में चलाते रहेंगे। अब चना दाल और तुरई की सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लीड कवर करके इसे और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारा चना दाल और तुरई की सब्जी तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे रोटी, पराठा या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।